हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MSDR टेक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको शो करने वाला हूं कि अगर कोई आपका फ्रेंड्स आपको मैसेज करता है व्हाट्सएप पे और फिर डिलीट कर देता है आपके रीड करने से पहले, और आप उस डिलीटेड मैसेज को रीड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा वेट ना करवाते हुए मैं इस प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में आपको करना क्या है फ्रेंड्स, इसमें आपको अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर पर क्लिक करना है एंड एक एप्लीकेशंस एंटी डिलीट फॉर व्हाट्सएप मैसेज आपको डाउनलोड कर लेनी है। आप जैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इस ऐप को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं अपने सिस्टम में। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं इस ऐप को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं अपने मोबाइल फोन में। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इस तरीके से ओपन होता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं एक मैसेज भेजता हूं अपने दूसरे मोबाइल से और उसको डिलीट करता हूं और देखते हैं कि वो मैसेज आप रीड कर सकते हैं नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, मैं लिखता हूं हाउ आर यू एंड फ्रेंड्स मैं इस मैसेज को डिलीट कर देता हूं। आप देखेंगे फ्रेंड्स, मैंने इस मैसेज को डिलीट कर दिया है और अब मैं इसको रीड करना चाहता हूं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मेरे को ये जो मैंने ऐप डाउनलोड करा था एंटी डिलीट एप्लीकेशन, मैं इसको ओपन करता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जो मैंने मैसेज भेजा था हाउ आर यू, अब मैं उसको रीड कर सकता हूँ जो कि मैंने डिलीट कर दिया था। सो फ्रेंड्स, इस ऐप के थ्रू आप अपने डिलीटेड मैसेज को रीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।